नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हैं। इस एक वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे देश दुनिया की बड़ी खबरें। एग्जिट पोल पर हुआ है बड़ा खुलासा, गोदी मीडिया पूरा फंसी, जानेंगे क्या कुछ है पूरी अपडेट आगे। वरिष्ठ पत्रकारों के सर्वे ने उड़ाई है बीजेपी की नींद, तो दूसरी तरफ जानेंगे इंडिया गठबंधन मनाने जा रहा है 4 जून को सरकार, बड़ा दावा सामने निकल के आया है। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें इस वीडियो में शामिल की गई हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लगातार वीडियो में बने रहिए। और अगर आप भी इंडिया गठबंधन के साथ हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। पहली खबर की ओर चलते हैं दोस्तों। आप सभी ने देखा होगा गोदी मीडिया ने किस प्रकार का माहौल बना रखा है। 1 जून को मतदान समाप्त होने के बाद 6:30 बजे से ही गोदी मीडिया ने बीजेपी के पक्ष में ऐसा माहौल बनाया है पूरे देश में, ये दिखाने की कोशिश हुई कि यहाँ पे नतीजों से पहले ही बीजेपी एनडीए जीत गया। लेकिन आपको बताते चले, सभी एग्जिट पोल ये फर्जी हैं, आप लोग इन पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। आपको बताते चलें, विपक्षी दलों ने तो स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरकार बनने जा रही है, तो दूसरी तरफ ये एग्जिट पोल किस प्रकार फर्जी हैं इसका खुलासा भी इसी वीडियो में करते चलें। हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें आती हैं, लेकिन आखिरकार बीजेपी और यहाँ पे गोदी मीडिया की कोशिशें रंग लाई। बीजेपी यहाँ पे दिखाया गया कि 33 सीटें जीतने के में आखिरकार कामयाब हुई राजस्थान में। आपको बताते चले, टुडेज चाणक्य के लोकसभा एग्जिट पोल में राजस्थान में एनडीए को 33 सीटें मिलने का अनुमान दर्शाया गया है। जी हाँ, 25 में से 33 सीटें बीजेपी जीत रही है। यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार का माहौल बनाया गया। यही एक राज्य नहीं है, आपको बताते चले, सोशल मीडिया पर तो यूजर्स कह रहे हैं कहीं 4 जून को भाजपा 1000 सीटों का आंकड़ा ही ना पार कर दे। इसके साथ ही आपको बताते चलें, बिहार में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी 5 सीटों पर सिर्फ चुनाव मैदान में उतरी है लड़ने के लिए, एनडीए के सहयोगी हैं। लेकिन यहां पे गोदी मीडिया द्वारा दिखाया जा रहा चिराग पासवान 6 सीटें जीत रहे हैं। देख सकते हैं किस प्रकार के ये एग्जिट पोल हैं। और यहाँ पे बीजेपी का जो नारा है 4 सुपार, उसे कामयाब होता दिखाया गया है गोदी मीडिया द्वारा। ज्यादातर एग्जिट पोल आप देखिए उसमें यही दिखाएंगे 360 से 410 या 20 सीटें यहाँ पे बीजेपी को मिल रही हैं। बीजेपी यहाँ पे स्पष्ट है 400 का आंकड़ा पार कर रही है गोदी मीडिया के एग्जिट पोल में। आप सभी दोस्तों को बताते चले, जी न्यूज ने एग्जिट पोल निकाला, उसमें हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन यहाँ पे एनडीए को दिखाया गया कि 16 से 19 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन को 2 से 4 सीटें। देख सकते हैं बीजेपी 10 में 16 से 19 सीटें जीत रही है हरियाणा में। ये गोदी मीडिया का एग्जिट पोल है। अगला एग्जिट पोल इन्होंने दिखाया हिमाचल प्रदेश का। बताते चले, हिमाचल में लोकसभा की 4 सीटें आती हैं, लेकिन एनडीए को 6 से 8 सीटें मिल रही हैं। इसी प्रकार इन्होंने ये आंकड़ा 400 पार करवाया है। तो दूसरी तरफ आप सभी को बताते चले, तमिलनाडु जहां पे इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करता दिख रहा है, वहां पर भी आपको बता दें एनडीए को सीटें मिलती दिखाई गई हैं। पंजाब में भी बीजेपी को लोग यहां पे पसंद करते दिखाए गए हैं गोदी मीडिया द्वारा एग्जिट पोल में। यह दोस्तों इस समय की ताजा बड़ी खबर निकल के आ रही है दिल्ली से। इंडिया गठबंधन के नेता आज चुनाव आयोग से मिलेंगे, बैलेट वोटों की गिनती पहले करने को लेकर ये मुलाकात होने वाली है। आज शाम करीब 4 बजे चुनाव आयोग से ये यहाँ पे मिलने पहुंचेंगे विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता। आप सभी को बताते चलें, सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं प्रत्याशियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए कि स्ट्रांग रूम पर पैनी नजर बनाए रखें और कुछ भी आप प्रत्याशी यहां पर दिखे तो तुरंत यहां पर मुस्तैदी के साथ खड़े रहें। इसके साथ ही यहां पर कहा गया है कि काउंटिंग एजेंट यहां पर 4 जून काउंटिंग के दिन पोलिंग बूथ पर मुस्तैदी से डटे रहेंगे। देख सकते हैं इंडिया गठबंधन की तैयारी पूरी है, स्पष्ट है बीजेपी बड़ा घोटाला करने की तैयारी करेगी। एग्जिट पोल तो यहाँ पे सीधे तौर पे सरकारी एग्जिट पोल हैं जो कि सरकार ने गोदी मीडिया को दिए हैं, वही दिखाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ अब पीएम मोदी को राष्ट्रपति देने वाली है विदाई, 5 जून को बुलाया है राष्ट्रपति भवन। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी की विदाई तय है, 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। यह बात राष्ट्रपति जी को भी एहसास हो गया, इसीलिए पीएम मोदी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विदाई देंगी। 5 जून को राष्ट्रपति भवन में मोदी मंत्रिमंडल का यहाँ पे डिनर आयोजित किया गया है। इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने निकल के आई।
यहाँ पे बताते चले, राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी और उनकी पूरी कैबिनेट यहाँ पे विदाई देने की तैयारी शुरू हो गई है। 5 जून को विदाई भोज भी आयोजित होने वाला है। अभी भी एक ताजा बड़ी खबर निकल के आई है, आप सभी ने जाना किस प्रकार से गोदी मीडिया ने आंकड़ों में फेरबदल करके बीजेपी को 400 पार कराया। अब यहाँ पे चाणक्य एग्जिट पोल तो ये भी कह रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी AIMIM चीफ हैदराबाद में अपनी सीट हार रहे हैं और यहाँ से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता जीत रही हैं। क्या आप लोग इस पूरे एग्जिट पोल पे विश्वास कर सकते हैं? यहाँ पे ये चाणक्य एग्जिट पोल है जो कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भी गलत हुआ था, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी यह गलत साबित हुआ था। देख सकते हैं गोदी मीडिया ने पूरा माहौल बना रखा है और यहाँ पर 2 से 3 दिन तक ये लोग इस प्रकार का माहौल बनाए रखेंगे जब तक यहाँ पे नतीजे नहीं आ जाते। गोदी मीडिया इसी प्रकार से बीजेपी के लिए काम करता रहेगा। जब 4 जून को सरकार बनेगी इंडिया की, तब यहाँ पे मीडिया मंडली को समझ में आएगा। तो दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की भी यहाँ पे प्रतिक्रिया आई, बोले एग्जिट पोल और 4 जून को आने वाले वास्तविक परिणाम में जमीन आसमान का फर्क रहेगा। यह एग्जिट पोल सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का एक तरीका है। उन्होंने कहा, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन को कम से कम 295 सीटें मिलने जा रही हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ये बयान। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज मतगणना जारी है। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश में भाजपा सत्ता में वापसी करती दिख रही है। भाजपा के सत्ता में लौटने के बाद ईटानगर स्थित भाजपा कार्यालय में जश्न शुरू हो गया है। सत्तारूढ़ भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। भाजपा ने 17 सीटों पर जीत हासिल की है और 29 पर आगे चल रही है। नेशनल पीपुल्स पार्टी 6 सीटों पर आगे चल रही है मात्र। राज्य विधानसभा में यहाँ पे कुल 60 सीटें हैं जिसमें से बहुमत का आंकड़ा 31 है, बीजेपी ने पार कर लिया है। ये ताजा बड़ी खबर निकल के आई है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर आ रही है, यहाँ पर आपको बताते चलें, कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। यहाँ पर बड़ी गड़बड़ी की तैयारी की जा रही है। पहली बार देखने को मिल रहा है AR टेबल पर उम्मीदवार के मतगणना एजेंटों को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। देख सकते हैं EVM से कथित धांधली का बड़ा मामला सामने निकल के आ सकता है यहाँ पे। इसी बीच लोकसभा चुनाव का मतदान समाप्त होते ही बड़ी खबर यूपी से आ रही है। वोटिंग खत्म होते ही आई अच्छी खबर। अब यूपी के हाईवे पे चलते हुए अब आप देश हित में ज्यादा योगदान कर पाएंगे। जी हाँ, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पे टोल टैक्स उत्तर प्रदेश में बढ़ा दिया गया है। 5 से 25 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं टोल टैक्स के रूप में। देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पे वोटिंग खत्म हुई और आधी रात के बाद से यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हुआ उत्तर प्रदेश में। आज की हर एक बड़ी खबर थी, मुख्य समाचार जो आप तक पहुंचाया है इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के आइकन को दबाइए, बड़ी खबरें आप तक पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।